Starting with my good morning everyone. Welcome to all in 16th day and last day of our PG orientation program. Now I would like to call Dr. Mohammed Tanveer Adam sir, Assistant Professor, UDCS Patna, to give his presentation on learning method. लर्निंग मेथड्स पे कुछ बात करेंगे. व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड व्हिच इनेबल अस टू मेमोराइज अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स बेटर. काम कर रहे हैं हमने तो इस मेथड पर बात करेंगे हम लोग. उससे पहले वो लिटरेट कहलाएगा, ठीक है ना. वो इलिटरेट नहीं कहलाएगा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कहलाएगा जिसको लर्न अनलर्न रीलर्न नहीं आता. मतलब चीजों को सीखने भूलने का भी तरीका, अगर भूलेंगे नहीं तो फिर मेमोरी बहुत अकोपाय हो जाएगी. आप सोचिए प्रिंसिपल साहब दिन भर में कितनी चीजें सुनते हैं, स्टूडेंट स्टाफ टीचर, फिर पॉलिटिकल कॉल्स. अगर वो डेली रिकॉर्ड अगर उसको रखे रहे अपने मन में, एक हफ्ते में ब्लास्ट कर जाएंगे. लॉट ऑफ मेमोरीज एवरी टाइम इज कमिंग इन. उसको अगर आप डिक्लासीफाई करने का तरीका नहीं जानते, इसको याद रखना है इसको याद नहीं रखना, तो बड़ी मुश्किल आने वाली. सो द लिटरेचर ऑफ द 21st सेंचुरी मस्ट बी नोइंग लर्निंग लर्न अनलर्न एंड रीलर्न. ये एक प्रोसेस है, थोड़ा सा साइंटिफिकली हाइपोथेटिकली इसकी बहुत सारे डिटेल है, ये जानना चाहिए. एवरेज जब 21 साल के हम लोग होते हैं तो लगभग 10,000 आवर्स हम लोग वीडियो गेम्स पे खर्च कर रहे हैं, कर चुके होते हैं. एक जनरल साइंटिफिक रूल्स है, 20,000 ईमेल हम लोग देख लिया भेज दिया कुछ ना कुछ कर लेते. 20,000 आवर्स हम लोग टीवी पे, बहुत जल्दी से पिछले 3-4 साल में टीवी का रोल घटा है. लोग ये सारी चीजें स्क्रीन आवर्स हमारे वो टीवी से शिफ्ट होकर मोबाइल फोन पे आ गए. तो ये पहले का डेटा है, 10,000 आवर्स ऑन सेल फोन. इट इज राइट नाउ मोर देन 10,000, बहुत ज्यादा 25,000 से 30,000 तक हो सकता है. एंड वेरी मेयरली वी स्पेंड 5,000 आवर्स ऑन डेली. तो अवर फोकस इज गोइंग समवेयर एल्स, तो कहीं से कहीं हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं. यही चीज टेक्निक्स होनी चाहिए, किस टेक्निक से अपने फोकस को आप ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां से आप सीख मिले. अच्छा, ये सब चीजें, ये जो डेटा है वो तब का है जब ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स उतने चलन में नहीं थे. और अब देखिए तो ये चीजें, ये जो आप देख रहे हैं कि ये वाला ये बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, ये और घट गया. बुक्स लोग पढ़ना ही छोड़ते, ऑनलाइन बुक्स आ गए, पीडीएफ पढ़ना है लोग, या फिर जितने भी कोचिंग क्लासेस आप कर रहे हैं सब ऑनलाइन है. बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग क्लास करके ही ऑनलाइन क्लास करके उन्होंने निकाला इंटरेस्ट. आपके साथ भी यहाँ बहुत लोग होंगे जो कम उनका हिस्सा उस पर गया होगा, वक्त ही नहीं मिला, बुक्स नहीं थी, या फिर कोविड के दौरान जो शुरू के अवस्थ थे जो कर रहे थे पिछले पिछले साल वो दूर थे, कहीं घर पे थे. तो जनरली इस तरह से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है पढ़े लिखे बच्चों की, और इसी को अरेंज करने की जरूरत है. लर्निंग मेथड्स यही होने चाहिए कि आपको ऐसा नहीं खाना छोड़ देंगे, आप दोस्तों के साथ मिलना छोड़ देंगे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन मोर फोकस वहां होना है जो आपके गोल है. तो ये जनरल डेटा था जो मैं बता रहा था, इसको स्किप करेंगे. क्लास को सिर्फ देखें आप, क्लास कैसी कैसी होंगी कुछ 50 सालों में. तो ये ब्लैक बोर्ड एंड चॉक से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग मूव किया. व्हाइट बोर्ड आता मार्कर जो अपने कॉलेज में अभी चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखा आप लोग ट्रांसपेरेंसी स्लाइड, एक जैसे प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंसी स्लाइड बनती थी वो आप रखते थे स्क्रीन पे, वो प्रोजेक्ट करके वॉल पे दिखाता था. लारी साहब पढ़ाते थे, आप लोग से सीनियर में पढ़ा होगा शायद उनके साथ. तो ट्रांसपेरेंसी स्लाइड पहले बड़ी बड़ी होती थी, फिर छोटी सी ट्रांसपेरेंसी स्लाइड होती थी, इसलिए आपने नेगेटिव की तरह रखा और उसको प्रोजेक्ट कर देता था. वहां से हम लोग मूव ऑन करके अब आ गए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो अभी आप देख रहे हैं. उसके बाद ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मेथड्स, ठीक है, इसमें भी टूल्स थोड़ी बदली है. ये भी बहुत पुराना हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
कहीं पे वीडियो से आपको पढ़ा रहा है, ई क्लासरूम्स मतलब जो आपके क्लासरूम्स है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बोर्ड में इनबिल्ट है। जैसे इससे पहले हमारे पास एक था क्यों, क्यों में ये था कि आप स्पेस में ही लिख दीजिए बोर्ड पे, सारा बोर्ड चौक की तरह से कुछ रूम में लगा हुआ था, अभी वो कहीं और दूसरे क्लास में, और फिर आपने जैसे ऑफ किया सब खत्म, और स्टोर भी हो जाता था, सारे फिजिक्स के केमिस्ट्री के फॉर्मूला और सब इनबिल्ट थे उसमें। उससे भी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा भी वायर लगा ना बीच में, ये इससे भी अलग हो गई बहुत सारी चीजें, वायरलेस टेक्नोलॉजी और ज्यादा आ गई है। और अगर थोड़ा इनोवेशन की तरफ जाना है तो आप देखिए ये पिक्चर जनरली हुआ करती है, कभी आप क्लासरूम देखिए ऑक्सफोर्ड का उनका, तो उनके पूरे वॉल से बोर्ड होता है, अब बोर्ड को नीचे लाते हैं, वो बोर्ड को शिफ्ट किया, राइट लिया, अपने यहाँ वो एक बोर्ड रख दिया, खत्म किया, फिर मिटाया, फिर निमोकोनिसिस हो जाएगी 20 साल में, वो डस्ट अंदर जा जाके, तो उनके बोर्ड देखिए तो बहुत बड़े बड़े, आपको लगेगा उतना ऊपर सर गए कैसे पढ़ने के, तो बोर्ड नीचे आता है और टेबल ऊपर जाती है, इस तरह से क्लास एनेबल्ड होती है, स्मार्ट क्लासेस। और हम लोग बहुत तेजी से इस बोर्ड से मूव करने हैं, यहाँ पढ़ा रहा है, स्क्रीन बहुत शानदार है, हम भी लेके बैठे हुए टेस्ट कर रहे हैं कि जो चीजें बता रही हूँ सही है भी। सकीफ नाम का एक लड़का था तुम्हारे बैच में, जूनियर था, मुझे कई क्लास के बाद पता चला कि पीछे वो पार्क खोल के बैठा रहता, फिर उसके बाद मुझे सहरन हो गया, इतने सारे डाटा मैं बता रहा हूँ कहीं गलत हो गया तो फिर मेरे लिए वो अच्छा हुआ कि मैं और क्लास आने से पहले 10-15 मिनट देख लेता था कि ऐसा नहीं मैं गलत बोल दूँ और बच्चों के जहन में चला जाए। तो अब ये टेक्नोलॉजी है कि आप खुद भी, जैसे मान लिया अगर मुझे एक फिगर बनाना हो हार्ट का, तो आप लोग बोर्ड ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, तो आपकी सारी मेहनत जो है मेरी मेहनत पर डिपेंड हो जाएगी, सर हार्ट कैसे बनाते हैं, इनफीरियर वेना कब आए, राइट साइड तो नहीं, लेफ्ट साइड तो नहीं चला गया, ठीक है। अब वही अगर हर्ट का एक बेहतरीन 3D फिगर यहाँ पे आ जाए, तो 10 मिनट जो मैं अपनी आर्ट आपको जबरदस्ती दिखा रहा था उससे तो बच जाएंगे, और आप विजुअलाइज कर देंगे उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज को समाप्त किया, हम एक्सेप्ट बहुत लेट से करते हैं, वो मजा नहीं है ब्लैक बोर्ड चॉक बोर्ड वाला, लास्ट में दिखाएंगे कितना टाइम हम बचा लेते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो हम लोग अभी यहाँ पे जहाँ पे आप भी इक्विप्ड हैं अच्छी चीजों से और बेटर इक्विप्ड हैं टीचर से, और इस तरह से हम चीजों को, आप देखिएगा कि मास्टर क्लासेस जो आ रहा है उसमें जैसे आपने एनाटॉमी पढ़ानी, तो एनाटॉमी की अभी चौरसिया शुरू में आपने देखा होगा, चौरसिया में पहले स्केच डायग्राम्स आते थे हम लोग जब पढ़ते थे, आज की डेट में चौरसिया 3D डायग्राम्स डाल रहा है या फिर कलर डायग्राम डाल रहा है, उससे पहले तो उसमें डायग्राम ही नहीं था, सिर्फ 4 लाइन ऐसे खींच के और क्वाड्रेंट्स को अलग कर लेना था इसके आपको एब्डोमेन के, धीरे धीरे इवॉल्व किया। अब क्या है कि आपको एक से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 4D 5D समझ लीजिए कि वे में आपको चीजों को समझा रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर इनेबल्ड है हमारे पास उस पर हम बात करेंगे तो आप ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, इसलिए टीचिंग लर्निंग मेथड्स में बहुत जल्दी से चेंजिंग आ रहा है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम सिखा सकें और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कंपटीशन को हम वो बीट कर सकें, ठीक है। हर रूम में क्लासरूम में जरूरी है आज के दौर में कि टेक्नोलॉजी आए, ठीक है ना, स्टूडेंट टीचर्स दोनों के हाथ, आज के दौर में जो पेन और पेंसिल है ना वो यही टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको चीजों को जानना है समझना है। जैसे हम लोग बात करते हैं दुनिया के टॉप की यूनिवर्सिटीज का, अब देखिए उनके ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए, आप जो भी यूनिवर्सिटी सुनते हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज $200-150 दीजिए और तो ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं, इवन कि आपकी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, BHU है, JDU है, इनके ऑनलाइन कोर्सेज है, न्यूट्रिशन पे कोर्सेज हैं, इसी तरह आप येल यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, आप हार्वर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, मेडिकल स्कूल के इतने कोर्सेज है, $200, $100, $300 लेके आपको क्लासेस दे रहा है, ये टेक्नोलॉजी है जो आप वहां तक रीच करने, तो हार्वर्ड जाने के बाद आपको जाने के लिए आप समझ रहे हैं कि आपको एनुअली 5 लाख 10 लाख का कोई स्कॉलरशिप जब तक नहीं देगा आप नहीं जाएंगे वहाँ। अच्छा है कि स्कॉलरशिप प्राइवेट कंपनियां देती हैं, आपका एक बिल स्कॉलरशिप में जाते हैं आगे जाके बच्चे PG करके तो आप भी जा सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करती है उनके जो टॉप के टीचर्स हैं, आप कभी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हार्वर्ड में जाके देखिए, स्कूल ऑफ मेडिसिन में उनकी सारी फैकल्टीज का नाम है, कितने मुस्लिम मिलेंगे आपको लगेगा अरे कौन के बारे में ऐसे ही बदला नहीं, और फिर उनकी क्लासेस आप पेमेंट कीजिए क्लास उसकी करिए। तो जरूरी है कि आज के दौर में कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, आज का टीचर आज के स्टूडेंट को अगर कल की तरह पढ़ा रहा है तो समझिए कि उसको फ्यूचर रॉक कर रहा है, वो उसको बेईमानी कर रहा है उसके साथ, उसका ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप भी कभी कभी सोचते होंगे इतना +2 से कोई पढ़ के आया, बाय टेक्नोलॉजी पढ़ गया, आते ही यहाँ पे बलगम, कभी कभी लगता है कि बहुत ऊंचे से गिरे हम नीचे की तरफ, लेकिन इसकी लर्निंग मेथड थोड़ा बाय डूइंग अगर कोई कर दे
बहुत ही सख्त बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण कर लो। तो वो अगर आपको अगर कोई बता दे कि ये मेथड जो बलगम ही अगर पढ़ना है तो इसरार अहमद की बुक की तरह पढ़ना, पढ़ा है कभी इसरार अहमद की बुक आपने? कुल्यात असरी पढ़ा है आप लोगों ने? कुल्यात असरी पढ़ने के बाद फिर लगेगा, या फिर एक बुक है टेम्परामेंटोलॉजी डॉक्टर की, तो प्रोफेसर जुल्फिकर की, तो वो पढ़िए कभी, फिर आपको लगेगा कि ईमानी की राइटिंग स्किल कैसे है लोगों की। आप फिर वही उसूलियती बात पढ़ेंगे तो मन तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, सिर्फ इसलिए पढ़ने की कुछ जान जाए पड़ोस वाला या बगल वाला अगर ज्यादा बोल गया अपनी बेइज्जती होगी, या फिर पास करना, कोई ना कोई वजह होती है आपको पढ़ने की, लर्निंग वजह नहीं होती है। इस वजह की है कि हमने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पर, आप कलर्स हैं यूरिन के, ऐसे ऐसे कलर्स दिख रहे हैं किताबों में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिजिक्स के लॉ के हिसाब से, केमिस्ट्री के लॉ के हिसाब से, हम ढोए जा रहे हैं बच्चों को, उतर ही बता रहे हैं। तो जो चीज ऐसा थोड़ी कि यूनानी फिजिक्स केमिस्ट्री से बाहर निकल के भाग गया या बायोलॉजी से, उसी का एक पार्ट है मेडिकल साइंस है, उससे आगे जा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं किसी ने लिखने में गलती की, ट्रांसलेशन में गलती की, इसको रेक्टिफाई करना। एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम हुआ NIM में, तो उन्होंने इस चीज को पकड़ा कि दो तीन कलर तो ऐसे हैं जो प्राइमरी कलर के 5 बार मिक्स करने के बाद भी नहीं निकल रहे, सारे कलर प्राइमरी कलर को मिक्स करके बन रहे हैं, जो कलर है आप लोग जानते हैं। तो फिर लगा कि शायद भी ट्रांसलेशन गड़बड़ है या फिर कुछ ना कुछ है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इन चीजों को बहुत ईजी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर हो आप पॉसिबल ऑल द कलर्स टच कीजिए, और फिर उसको आप कोरिलेट कीजिए कि जो उसूल दिन में या बेसिक बुक्स में किया है, तो आप फिर उसको ध्यान रखें चीजों को, तो आसान होगा फिर उन किताबों को तक रीच करना। एक बंदा है, ये जो दौर था 1885 का जर्मन दौर था, तो ये बंदा इसने रिसर्च किया लर्निंग मेथड जो है दुनिया में जल्दी जल्दी सीखने के क्या होने चाहिए। तो मैं थ्योरेटिकल बात के बजाय इसकी रिसर्च पे ले जाना चाहूंगा, नाम से ही आपको एबिन गाउस इसी नाम ये सब लगाते हैं टाइटल्स आपको जर्मन्स। तो इसने रिसर्च किया, इसने बताया कि एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, मतलब कोई चीज आप सीखते हैं तो मैक्सिमम आप 7 डेज में उसका 90% तक भूल जाते, ठीक है। आप यही लेक्चर आप सुन रहे हैं, 7 डेज में अगर आप इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो इसका 90% वॉश आउट हो जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने टेक्निक बताया, इस टेक्निक को अगर आप अपनाइएगा तो ऐसा होगा कि यही चीजें आपको अगर तीसरे दिन फिर रिव्यू करते हैं, फिर छठे दिन करते हैं, फिर 9वें दिन करते हैं, तो हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर ही इन चीजों को 100% याद कर सकते। तो माइंड हमारा इस तरह से वाइल्ड है ना, इलेक्ट्रिकली वाइल्ड है, जिसमें रिपीटेड थिंग्स करने की जरूरत होती है। आप याद कीजिए, आप बाथरूम में जाते हैं, आप कभी दिमाग नहीं लगाते कौन सा साबुन सोच के जाते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, आप वहां मस्त होकर नुसरत अली खान के गाने गा रहे होते हैं, या अपने वोकैबुलरी जो लिखते हैं जो ये जो कॉर्ड है आपका उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अलग अलग शक्ल में गाने, वो गाने जो कहीं गाने में शर्म वो भी गा लेते हैं, लेकिन उसी बीच आपका हाथ साबुन पे जाता है, शैम्पू पे जाता है, सारा काम करके आप निकल लेते हैं, आपको पता भी नहीं, आपने ध्यान भी नहीं दिया कि आपने जो है वो साबुन कहाँ था, किसका वाला साबुन यूज कर लिया, आपको फिक्स चीज पता है और आप करके निकल गए। रिपीटेटिव जो काम आप करते हैं ना, उस काम में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। देखिए, पहले दिन आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको लगा रहता है दोनों पैर डालना है, एक डालना है, और फिर जब आप सीख जाते हैं तो सामने वाले को लेक्चर देते हुए आप स्पीड में निकल जाते हैं, अरे यार टेंशन मत लो मेरा तो पैर काम कर रहा है, सुना है पियानो पे खुद अपने हाथ चल पड़ते हैं। तो वही चीज है, आप जब चीज को रिपीट करेंगे तो जो ग्रैबिंग कैपेसिटी है आपकी मल्टीपल फोल्ड से बढ़ जाएगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीजों को, ठीक है। तो इसको याद रखें, इसके लिए जरूरी इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कैसे हम याद रखें। सबसे पहली चीज टू रिवाइज, आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम वही होता है, कोई बच्चा आपकी देखिए साथ में क्लास में ज्यादा अच्छा बोल पाता है, ठीक है, बताया नहीं कि आप जब सो जाते हैं तब वो रिवाइज करता है, ठीक है। तो रिवाइजन की कैपेसिटी जो है ना अपने ब्रेन को ट्रेन करनी है कि, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो यूनानी के हवा से कम सर जहर है उसका भी जिक्र आएगा इसी रिसर्च में कि उसका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें, रिवाइज कर सकते हैं आप, एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निक ऐसी इस्तेमाल कीजिए आप कि अरे यार आज जो पढ़ते हैं 5 मिनट में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, तीनों चारों को बोल दिया कि तुम उस सर का लेक्चर बता दो, तुम उस सर का लेक्चर बता दो, होता क्या कि आपने 5 मिनट में 5 लोग मिलकर 10 लेक्चर को आपने रिवाइज कर लिया, या फिर उसकी जो मेन बुलेट पॉइंट थे उसको याद कर लिया, इससे भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है। एक होता है लिख के याद करना, जितनी चीजें हमने आज सुनी है उसको लिखते हैं कितना याद है मुझे, ये 3 लेक्चर था, 3 लेक्चर का हेडिंग डाला और सब कुछ भूल के लिखना शुरू किया। कुछ लोगों को याद ही नहीं होता जब तक वो लिखते नहीं,
जैसे देखिए कि आप लोग कुछ बच्चे हैं जो पूरी अपनी कॉपी नोट्स तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं लिख लिख के, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है जिसमें चीजें आपको याद होंगी और इसमें एक से ज्यादा सेंस आपका काम करता है। वो तो भाषा भी काम कर रही होती है। टीच, किसी को सुना के पढ़ा के जूनियर्स को पकड़ के, द पोस्टमैन पे जो आपको सुन रखा है शुरू से, आपने याद कर रखा है पोस्टमैन कौन होता है, गाय चौपाया जानवर, उसको सुना दिया थोड़ा, उसको समझ में आया ना, लेकिन आपको याद हो जाती है चीजें। इसलिए जी बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने जूनियर को, साथ वाले को जो बेयर कर रहा है, जो बर्दाश्त कर रहा है आपको, ठीक है, या नहीं तो उसको कुछ लोभ दीजिए बर्दाश्त करने का, उसको सुना दीजिए, उससे आपको सब याद हो जाएगा। ब्यूमिस में एक बच्ची थी हम लोग की जूनियर कश्मीर की, तो हमारी क्लासमेट्स वगैरह उनको पकड़ के सुना देता, समा सुनो, ठीक है, वो 3 साल जूनियर थी वो, और फिर उसकी मेमोरी इतनी अच्छी थी सुनने वाली की, 1 महीने बाद पूछते थे वो बताते कि आपने ये सुनाया। ब्रिलियंट बच्ची थी, पूरा सब कुछ उसको याद हो जाता। हम लोग को भी पकड़ दिख रहा, चलो एनाटॉमी ऑफ एयर बताओ, तो ऐसे सर किया पूरा बता दिया। तो कुछ लोग की मेमोरी सुन के और सुना के, टीच करके, पढ़ा के भी बहुत तेज होती है। और दूसरी चीज, आप जब किसी को पढ़ाने जाइएगा तो तैयारी ज्यादा होगी, कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा ना कि ऐसे मोमेंट आ जाए कि अरे इसको ये भी नहीं पता है, छोटी छोटी चीज हो सकता है फॉरगेट करते, बताते वक्त थोड़ी सी नर्व आपकी अलग तरह से, जब नर्व स्टिमुलेट होती है, बिजली वाला पार्ट थोड़ा हायर लेवल पे होता है, तो इन दैट वे आप ट्रेन हो जाएंगे चीजों को याद करने के लिए। एक होता है रिपीट योर सेल्फ, ठीक है ना, खुद ही याद कीजिए, बोलिए, भिनभिनाइए जोर से, मदरसा में देखा है आप लोग ने कितने सेंस काम कर रहे हैं, जोर जोर से पढ़ता है, सुन जाते हैं, कभी इस्तेमाल हुआ इसका, एक साथ एक ही अलीफ पे जबर दो जबर जेर दो अल्पे है, कहीं इस्तेमाल हुआ इसका, लेकिन इतना डर था मौली साहब का। अच्छा वो तो वाहमा भी काम कर रहे हैं, पीठ पे आप पढ़ना है, ठीक है, वो पकड़ लेते थे 20 आदमी में को, किसकी जो है तानसेन वाली आवाज थोड़ी सी चीज से निकल गई, गलत पढ़ रहा है वो, आगे डाल से फिर मारा दे, बेरहमी से मार देते एकदम, तो आपकी वो सेंस भी काम कर रहे कोते वायमा की, तब से आप पढ़ेगी, अब जोर जोर से पढ़ते, जब जोर जोर से पढ़ते रिपीट करते हैं, तो कोते बासरा के अलावा उस कोते साम्य जो सुनने वाली आपकी, वो भी काम करती, खुद अपने आप को टीच करने सुना रहा है। इसलिए चीजों को बोल बोल के पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है, वो भी आपको याद आएगा। फ्लैश कार्ड बनाइए कुछ चीजों का, छोटे छोटे चिप्स लेके देते हैं कुछ लोग ना, चिप्स उठाए आप टेबल के सामने चिपका दिए, ठीक है, या फिर कहीं भी जो जो भी जगह हो जहाँ पे आप लोग बैठते हो, जहाँ पे आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, वहां पे अपने चिट्स डाल दें। ये चिट्स का जो मामला है ना, हर जगह इस्तेमाल होता है, मिलिट्री ऑपरेशन में आप देखिए टॉप के जो साइंटिस्ट होते हैं सबसे ज्यादा भुलक्कड़ होता है। एक डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में थे यहाँ पे अलीगढ़ में, जर्मनी से मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे, है तो बिहार गई वो, तो वो स्टेज पे जब जाते थे तो कहते थे हम लोग को, जैसे हॉस्टल में वार्डन थे वो कलीमुद्दीन साहब, तो उनका नाम लिख के दो अपना भी लिख देना, समझा आपने, उनके साथ में बैठा रहा हूँ, कहते अपना भी लिख देना, स्टेज पे जाते जब नाम मुझे याद मिला था, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है वो, डॉक्टर मैथमेटिशियन है, 5 साल के लिए सऊदी अरब पढ़ाए गए वो, एमए की तरफ से एक्सटेंशन लेके फिर आ जाते हैं रिटर्न वो, तो ये चीज बहुत रिकॉल करती है। आप चीजों को लिख लिख के रखिए, पॉकेट में रख लीजिए, शॉर्ट लिख लीजिए, या फिर मोबाइल पे स्क्रीन पे जो रहता है उस तरह से, जैसे भी हो आप छोटे छोटे प्ले कार्ड टाइप के, जैसे प्ले कार्ड होते हैं ना, ऐसे आप करके रख लीजिए, और एक एक दो दो लाइन लिखिए, ज्यादा नहीं लिखो, एक पूरे लेक्चर लिखिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। ये एकदम हम लोग कब यूज करते हैं, एग्जाम के वक्त, तो 40% ज्यादा ग्रैप नहीं करते हैं, यही अगर सालों भर करेंगे हम लोग तो फिर उस टेक्निक में दिक्कत नहीं होगी हमको, हम समझ लेंगे। अब मेक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि ऐसी चीजें, जैसे मान लिया अभी आप पढ़ रहे हो और आपने एकदम बिल्कुल पूरी स्क्रीन को डार्क नहीं वाइट करके और सारे सोशल मीडिया के अकाउंट आपने ओपन कर रखे हो, ठीक है, रिंगिंग बेल रखा होगा, आप पढ़ रहे हैं धड़ से 1 बजे, इंस्टा का एक अलग साउंड है जो आपको आना है, फेसबुक का अलग साउंड है, हर 10 सेकंड में आप टक से कर देखेंगे, फिर अगर ज्यादा आपके अंदर विल पावर तो कंट्रोल कंट्रोल फिर गल, तो इसी तरह से, या फिर आपको रिंगिंग बेल्स हो, या फिर रोड साइड आपका घर हो, या फिर घर में और भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हो, तो ये सारे जितने इन्फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस आप नहीं करेंगे तो फिर आप कंस्ट्रेट ही नहीं कर पाए। अभी एक विंडो आने लगी है, उसका प्रचार भी आता है, उसको दिखाते हैं कि बाहर से भीड़ आ रही है, आवाज आ रही है, और आपने विंडो हल्के से बंद कर दिया, सारे साउंड वॉइस रिडक्शन हो गया। इसी तरह से ऑनलाइन आपको कुछ म्यूजिक बताते हैं कि हम आपको सोने में मदद करेंगे, स्लीप करके आप देखिएगा वो है ऐप, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको सिखाती हैं कि क्या क्या आप रिड्यूस कर सकते हैं, जहां पे आपके दिमाग जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करे आपका दिमाग।
वो सारे इनपुट जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको आप बिल्कुल टेंशन हो अटेंशन के साथ उसको सारे चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को बंद कीजिए, तभी आप फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से एक टेक्निक्स उन्होंने बताई, ये जो टेक्निक्स थी इनकी कि एक प्रोमोडोरो टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स को आपकी अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत तेजी और एग्रेसिवली चीजों को आप लर्न कर सकते हैं। इनका कहना था कि आप 30 मिनट का एक सेशन रखिए जिसमें 25 मिनट लर्न कीजिए और 5 मिनट रिलैक्स कीजिए, ठीक है। कैसा कहा देख रहा था हमने ये जी ये टेक्निक नहीं देखा है हमने नहीं देखा अब याद दिलाऊं मैं आप लोगों को थ्री इडियट देखा वायरस क्या करता है याद है ना जो वो जो वायरस जो नैप लेता है वो स्नैप और पीछे भी मूविंग हो जाती है यही तो है वो प्रोमोडोरो टेक्निक है ये साइंटिफिकल यही टेक्निक को इस्तेमाल किया है उसने जिस साइकोलॉजिस्ट ने बताया है उनको कि टेक्निक इस्तेमाल कीजिए और इसके 4 सेशन कर लीजिए आप 4 सेशन में कितना लगा आपको 2 घंटा ठीक है ना 4 सेशन इसके 2 बार रिपीट कर देंगे 4 घंटे में आप आपको अब फिर ये एक सेशन करने के बाद ये 4 का एक सेशन कंप्लीट करने के बाद 30 मिनट के आप जो है गैप ले लीजिए। पहले बहुत दिक्कत होगी आपके दिमाग को कि आप 25 मिनट काम करें 30 मिनट में, लेकिन आपको ट्रेन करना पड़ेगा आपके खुद के दिमाग को किस तरह। ये टेक्निक प्रूवन है साइंटिफिकली जिनको तैयार किया जाता है कि बिना किसी राइटअप के बिना किसी मैसेज के, जैसे मोबाइल में हम लोग मैसेज है ना कभी कुछ याद करना सुबह देख लिया रात में लिखा था क्या क्या करना है आज, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं स्पाई एजेंसी में बताइए उनको कैसे चीजें याद रहती है, उनको 10-20 साल इस सब चीजें ट्रेन किया जाता है ब्रेन में कि आप कैसे चीजों को याद करें और फिर भूलने की भी टेक्निक आनी चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल प्रूवन टेक्निक है साइंटिफिकली, आप इसको ट्राई करके देखिए। बच्चों में लोग शुरू से करवाते हैं, आपको याद है क्लास में 45 मिनट क्लास के बाद हेड्स डाउन प्रोमोडोरो टेक्निक्स मैडम जानती है ज्यादा, लेकिन वो लंबा कर देती है इसलिए उनको कहीं और एंगेजमेंट, हेड्स डाउन किया 30 मिनट तक हेड्स डाउन, 5 मिनट का हेड्स डाउन होता है। अब उनको गॉसिप करनी है, स्वेटर बुनना है, हेड्स डाउन किया कोई देख ही नहीं रहा है, तो साइंटिफिकली टेक्निक यही है जिसको अप्लाई किया जाता है। उस 5 मिनट में आप सब कुछ भूल भाल के अपने आप को दम आग को बंद कर लीजिए, ब्रेन तो होना नहीं है बंद, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसको अडेप्ट कर सकते हैं। ये बहुत प्रूवन टेक्निक है, एग्जाम के वक्त या फिर कभी कोई बहुत हेवी टास्क हो आपको मेंटली तो आप इसको अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, और भी जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको आप जितना हो सकता है दूर करेंगे तो आप इससे अपने आप को ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, चीजों को लर्निंग में याद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रैंकलिंस लॉ कहलाता है वो, उनका कहना था कि आप चीजों को जानते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको अंडरस्टैंड करते हैं पढ़ने से ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं तो आप ज्यादा समझ सकते हैं। कैसे, जैसे आपको कोई एक चीज के बारे में बता दिया जाए, अभी बहुत करीब मैंने इन चीजों को देखा है, जैसे छोटी बच्ची को मैंने बताया था कि कैसे होते हैं हिपोपोटेमस, फोटो देखे बोलते दिस इज हिपोपोटेमस। एक दिन हम लोग निकले कि जाना है, बहुत दिन से प्लान था, मही नहीं पकड़ में आ रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि चलना है पटना जू, क्योंकि उसने जू में डायरेक्टली किसी को देखा नहीं था। उसको बड़ी बहन ने बताया कि ऐसी चीजें रियल में भी होती है जो किताब में देख रहे हो, तो उसने कहा जू ले चलिए जी, ज्यादा कैच नहीं आता है। हाँ, कैच करने के लिए उसने मुझे कहा कि एक दिन चलते हैं। उस दिन संडे को हम लोग निकले कि जू दिखाई देते हैं उसको, तो देखिए कैसे बच्चों के दिमाग वायर होते हैं। तो जू गए, तो वो जू बंद, तब क्या करे, तो वहां से जब जू से निकलने लगे तो मैंने कहा उसके मदर को फार्माकोलॉजी में एमडी के, तो मैंने कहा कि देखना है हमारा गार्डन बी कॉलेज का, बोले हाँ दिखा दीजिए गार्डन। तो मेरे जहन में आया कि यही घुमा देंगे, बोलेंगे जू हो गया। वो गार्डन घुमाया मैंने कहा कि यही जू है, ओ दिस इज जू, वो तो खुश है। और बड़ी बहन उसकी बता नहीं रही कि नहीं जू नहीं, मैंने कहा बोलना नहीं है जू नहीं। वहां गए तो वहां कुछ वो सब लिजार्ड वगैरह भागती हुई आई, फिर हम लोग पूरा दिखाया सारे जो हम लोग को देखना था वो देख लिया। उसके बाद घर पे बोला कि हैव यू सीन जू, बोले यस। तो उसने बड़ी बहन का कोई एनिमल था बता रहा हूँ, देयर वाज लिजर्ड। तो उसको समझ में आ गया कि एनिमल सुन रखा है, वहाँ एनिमल होता है, एक एनिमल मैंने देख लिया। उसने पूछा कि व्हाट द अदर्स एनिमल्स, हमने कहा कि वो छुट्टी पे। नेक्स्ट 2 वीक के बाद जब जू गए तो करे पापा ठीक है, मतलब वो कौन सा जू था जो आपने दिखाया था। तो पहले 15 दिन तक उसको पता था कि वही जू है जहाँ पे एक लिजर्ड दिखा था।
इसलिए हाँ, इसलिए जब आप उसको जो बताइएगा जो दिखाइएगा वो ज्यादा याद रहता है। जब तक उसने ओरिजिनल जू नहीं देखा वो श्योर थी कि जू वही है जो हर्बल गार्डन में आई थी। ठीक है, इसलिए इनका कहना था कि आप जो है ना कुछ चीजों को समझने के लिए अंडरस्टैंड कीजिए, उसको रियल में देखिए। इसी तरह से एक रूल आता है पार्किंसंस लॉ, जैसे हेमन लॉ था ऐसे पार्किंसंस लॉ था। उसका होता है कि आप अगर चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो बता तो दीजिएगा हिप्पोपोटामस कैसा होता है, पानी में होता है या जमीन पे होता है, क्लर कैसा होता है, सूर होता है या नहीं होता, उसमें हाथी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन जब वो सामने होगा तो ऐसे हो जाएगा। मेरी क्लासमेट थी मुजफ्फरपुर की, तो वहां पे अलीगढ़ में लगता है नुमाइश, जानते हैं अलीगढ़ के जो बच्चे हैं अलीगढ़ वाले समय ना जानते हैं नुमाइश, तो वो नुमाइश में बड़ी बड़ी हाथी आती है। तो मुजफ्फरपुर की थी वो भी दिल्ली में रह रही, वो एकाएक हाथी सामने आए, उसने कहा अल्लाह आयशा मैंने इतनी बड़ी भैंस कभी नहीं देखी। हम लोग उसको क्लास में चढ़ा रहे थे कि भैंस क्लियर हुई उसकी, जहां उसको नहीं होता अल्लाह प्लीज, तो वो आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये भैंस सुड़ वाली भैंस। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें आती है आपको, इसलिए चीजों को देख के पढ़ने में समझ के पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रट लेना एक अलग है। तो ये जरूरी है कि चीजों को आप अंडरस्टैंड करें, देखें इन चीजों को। ठीक है, आप उसके बाद एक निमोनिक्स आता है, आप लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया होगा, बताए शॉर्ट फॉर्म्स, अपनी क्लास के सबसे खतरनाक सबसे अच्छे जो भी आपको पसंद है उनके नाम पे आप रखते हैं। ठीक है ना, एकदम घटिया घटिया वर्ड भी चूज करते हैं, जो आपकी दिमाग जिस तरह से चल रहा है उस तरह से आप अवॉइड करते हैं ना। और अगर तुरंत आपने इस्तेमाल किया है तो ये सारी चीजें वहां जाके भी भूल जाते हैं कि ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ये एक्चुअली किस चीज का शॉर्ट फॉर्म हुआ है। कभी ऐसा चार पांच छह, हमने भी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में जैसे वहां पे पूछा जाता है कि नर्व की पूरी इनर्वेशन बताइए, बिकॉज ना जहां से चली जहां खत्म हुई। मजा आ कि फर्स्ट ईयर में व्यूमेंस में कम इंटरेस्ट वाले लोगों को सब याद हो जाए, लेकिन इनको याद है। तो वो हम लोग लिख लेते थे कुछ, जाके पहले ही बोर्ड पे लिख दिया टेबल पे। ठीक है, और उसके बाद एक घंटा लगे थे लिखा क्या है। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स आप नहीं बनाइए जो आपको भी याद हो, कुछ टॉप के नाम्स पे या जो बहुत इजी हो उस पे आप निमोनिक्स बना लेंगे तो रिकॉल करने में आपको, चीट करने में नहीं रिकॉल करने में, चीटिंग तो अदर पोर्शन चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। तो निमोनिक्स आप बनाइएगा तो वो बहुत हेल्प करेंगे आपको चीजों को याद करने में, रिमेम्बर करने में। इसी तरह चीजों को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है ना, एकदम आंख बंद कीजिए और सोचिए कि जो है ना वो चीजें कैसी हो सकती हैं। जैसे यूनानी में बहुत मौके मिलेंगे इसको सोचने का, जो हमारी क्या कहते हैं कि फिलोसफीज हैं वो बहुत टफेस्ट फॉर्म ऑफ फिलोसफी हम लोग डील कर रहे हैं। दुनिया के सामने जो उस वक्त के मसले थे उन मसलों को हमारी बुक्स में अभी तक हटाया नहीं गया, फिलोसफी अलग करके डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन स्टिल वी आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स। और इतना चाइल्ड ब्रेन के साथ डील कर रहे हैं हम, उसको नकार देते हैं स्टेशन है जहाँ पे हर वो काम होता है जो पटना स्टेशन पे होता है। अब फिर आठ बंद की सुनती करें, वहां पे पकौड़े भी मिलते हैं, वहां पे खाने का क्या प्रोसीजर्स होगा, वहां पे अगर कैप्सूल्स में आप नहीं है ट्रांसपोर्ट कैसे होता होगा, राइटिंग स्किल कैसे होगी, कौन सा पेन इस्तेमाल होगा। ये चीज आप विजुलाइज कीजिएगा तो आप कंपेयर में आपके बगल में बैठे हुए बच्चे से ज्यादा आंसर कर सकते हैं चीजों को। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज कीजिए, बहुत अच्छा है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिसिन तो बहुत आसान है कि आप जैसे लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि लीवर राइट साइड है या लेफ्ट साइड। कभी कभी कोई लेफ्ट बता दिया तुरंत नहीं कहना है कि भाई गलत है, डेक्सोकार्डिया हो सकता है, मिरर इमेज हो सकती है, तो बड़ी बड़ी चीजें गलती हो जाती है। जैसे एनाटॉमी का वायवा वहां जो अलीगढ़ में होता है तो लगभग इसका आधा टेबल होता था, ये वो सेटअप है वहां पे, पूरा चार पांच सेट पूरे बॉडी का रख दिया और लड़कों से ज्यादा जानता था वहां का अटेंडेंट। ठीक है, तो एक लर्निंग चचा थे, मतलब बहुत सीनियर आदमी, आप तो आप पीजी में आपके साथ सीनियर अभी नहीं है, हमारे साथ पीजी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पांच साल से प्रिंसिपल बन गए, अभी सीनियर लोग भी आते हैं। तो उनको पूछा कि हाँ भाई बताओ रान की हड्डी, तो वो गेट के बाहर जो अख्तर है अब हट गए होंगे जो खड़े थे उनकी तरफ पूछा कि क्या है ये, बोला कि क्या है, तो वो उधर से देखा उसने कहा राम की हड्डी बताओ क्या है, तो जो राम बोला इसको कान सुनाई दिया, कान की हड्डी। तो रजुला साहब बहुत है तो मौलाना अभी दीन है लेकिन ये बहुत मजाक कर रहे, बोले ठीक है लगा के दिखाओ, इतनी बड़ी लगा के दिखाओ तुम कान में कहाँ लगा था।
तो उसने विजुअलाइज नहीं किया चीजों को, वो बैग लेके वो एकदम मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला मामला था, क्लास में पूछते हम लोग खड़े हो गए उनके बैच में, मतलब टीचर से ज्यादा उम्र दराज थे, वो ब्यूमेस में क्लास कर रहे थे। वो एक बार टूर जा रहा था तो उसकी क्लास की कुछ बच्चियां नहीं जा रही, तो उन्होंने ठीका लिया कि सबके घर को जाके समझाना है। एक के घर पे चले गए समझाने के लिए, उसने बहुत जताई जाइए बैठिए ये वो, अरे नहीं आप कह जाएंगे तो आप सर, तो बोला कि मैं सर क्लास में निकलो, उनको इज्जत मिली टीचर समझ के। तो ये भी मसला था उनके साथ। तो आप विजुअलाइज कीजिएगा चीजों को तो ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसी तरह से एक पैटर्न होता है स्लीप का, बॉडी हमारी और जो सर्कैडियन साइकिल होती है कि दिन में सोना है नहीं सोना है, उल्टा बोल देना रात में सोना है और दिन में जागना है आपको, हमने इस पैटर्न को बिल्कुल ब्लड दिया है, अपने हिसाब से अकोमोडेट कर लिया है। इंसान है इसीलिए तोड़ फोड़ करे नेचर की चीजों में, तभी तो वो पनिशमेंट उसके लिए बना है। तो स्लीप का जो पैटर्न है ये आपको इनेबल करता है चीजों को और अच्छे तरीकों से सीखने का। ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइम होता है, दिन भर जो आपने खर्चा किया टाइम, आपके स्किन एक्शन कर रहा है, आपकी वजह से कोई एक्शन हो रहा है, हर एक्शन में एनर्जी आपकी जा रही है, कोई भी ऐसा एक्शन बॉडी का नहीं जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एग्जॉस्ट कर जाते हैं। तो ये पैटर्न है जो आपको सिखाता है कि आप कैसे एनर्जी को रिगेन करना है। इसलिए अपने यहाँ देखिएगा बेहतर सेहत के लिए क्या है, नॉम वो यकजा दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। जब तक एक बढ़िया स्लीप नहीं होगी कल के लिए आप तैयार नहीं हुआ, ये सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। इसी टेक्निक को शॉर्ट करके पावर नैप में उन्होंने इस्तेमाल किया, पोमोडोरो टेक्निक, कि आप पहले लगा दीजिए अलार्म कि 15 मिनट में मुझे उठ जाना है। एक दो दिन तो बहुत दिक्कत होगा, ऐसा लगा कि अपना ही बॉडी 50 टन भारी हो गया, उठ नहीं पा रहा। फिर आपको अलार्म की जरूरत होगी कि 15 मिनट में आप जगिएगा, फिर पानी वाला चेहरे पे और फिर शुरू हो गया। तो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है आपको करना होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही वक्त के साथ स्लीप नहीं लीजिएगा तो नींद नहीं लीजिएगा तो आपके साथ एक्सीडेंट्स होगा, जो पहली चीज होती है भूलना। ये सब लैब में कहीं काम कर रहे हैं आप, कहीं ड्राइव कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा जो ड्राइविंग एक्सीडेंट्स होता है वो नींद की वजह से होता है। सरदार जी ड्राइव कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो आंख बंद करके दिलेर मेहंदी के गाने में लगे हुए, तब पता चलता है जब सामने एक ट्रक को ठोकते हुए पूरी लाइन को ठोकते हुए निकल रहे। आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो रोड ट्रैफिक में मेरे मामला होता है वो होता है रात में ज्यादा, उनको लगता है कि एक जैसे जेट लैग नहीं होता वैसे उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं सब देख रहा हूँ, और वो जब तक उनको इंजरी नहीं हो जाती या फिर बड़ा एक्सीडेंट तब आँख खुलती है मैं सोया हुआ जी। चापा कल भी उठा, ये बहुत जरूरी है कि स्लीप और इसके पैटर्न को आप सही से वाइड कीजिए और एस्टेब्लिश कीजिए इसको आपके बीच में। यूज एज मेनी सेंसेस एज यू कैन, आवाज एक हमसा जाहिरा ठीक है, यही चीजें आपको 3D मूवी 4D मूवी सिखाती है, उसको ज्यादा आप याद करते हैं। या फिर स्कैरी हाउस में आप जाते हैं तो आप क्यों डर जाते हैं, आंख से भी गलत दिखाया, साउंड भी दिया और कुछ आके पैर को भी टच कर रहा है, या फिर कुछ पानी का फुहारा छोड़ा जो आपको भिगा दे और वहां पे सीन दे रहा है कि आप कहीं पे डूब रहे हैं और उससे अंदर से मगरमच्छ निकल रहा है, एनाकोंडा निकल रहा है और पानी भी आपको फील हो गया या फुहारें भी आ गई, आपको बहुत दिक्कत होगी। इस तरह के थिएटर्स आप देखिए जहाँ पे आप शो के फिल्में देख रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में यही तो काम हो रहा है, वो सारी चीजें आपको, या फिर जो डॉल्बी की एक साउंड आपको देता है जो मजा आता है देखने। आज भी देखिए दो फिल्में रिलीज हुई कल, तो उसमें देख रहा था मैं कि सबसे ज्यादा सिंगल थिएटर किसको मिला, वो मिला किसको, सालार को। वजह क्या थी, एक्शन मूवी लोग बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो आपकी चॉइसिस जो है ना उस हिसाब से चेंज हो, छोटे स्क्रीन पे आप नहीं देखना, मोबाइल मूवी सब्सक्रिप्शन भी ले लिया लेकिन मजा थिएटर में जाकर देखना। तो जितने सेंसेस वो आपको हिजेक्ट करेगा इन्वॉल्व करेगा वो लर्निंग, फिर वो मूवी पूरी वो बहु आप आके सामने वाले का दिल खराब कर देता है, वो कल प्लान किया देखने का आपने सारी कहानी सुना दी ठीक है। तो इस तरह से आप अगर जैसे वो टेक्निक है मदरसे वाली जोर से पढ़ो तो बहुत बेहतरीन टेक्निक है, 20 लोग जोर से पढ़े फिर भी आप ज्यादा सीखते हैं। आपको एक हेल्थ की डेफिनेशन फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर पीजी में जाके गलत बोल सकते हैं, अब वो जो 12-15 साल में प्रांशुलित याद किया वो मरते दम तक भी आखिरी वक्त तक तेजी से पढ़ क्यों पढ़ रहा, उसके लर्निंग टेक में ऐसा थोड़ी, वो तो घर का सबसे बेकार बच्चा जो समझते हैं उसको मदरसा भेजते हैं, कैसे सीख गया वो, कैसे रट लिया पूरी पूरी प्रांशुलित। लर्निंग मेथड है चाहे प्रेशर से सिखाया उसको, एक चीज तो बहुत शानदार है बोल के पढ़ना, लेकिन आप मदरसे से गुजरिएगा तो एक अच्छी फीलिंग आई, अरे एक साथ बच्चे पढ़ रहे, तो वो टेक्निक। या फिर घर में मम्मियां कहती जोर से पढ़ो,
क्योंकि वो सिटर कुकर की सिटी में उनको सुनाई नहीं दे रहा, जोर से पढ़ के बताओ, जैसे आवाज कम हुई आके एक धड़ा कहा था जोर से पढ़ो। ये टेक्निक है कि बच्चा खुद सीखता है जब जोर से पढ़ता है, तो उसमें क्या होगा आपको कि आप जो बोल रहे हैं जो देख रहे हैं फिर आपका कान भी इन्वॉल्व हो गया, किताब दिखेगा आपको, बहुत अच्छी कलरफुल बुक्स आ गई, उर्दू की बुक्स बहुत कलरफुल आ गई, ठीक है ना। आप देखिए उर्दू की जो बुक आती है अलीफ से बे से ते से कितने कलरफुल आ गए, आप लोग सीखने लगे। हम लोग का याद कीजिए सलम कुरान, ठीक है, जान बूझ के प्लास्टिक की दी जाती है कि रगड़ रगड़ के ये उड़ा ना दे, हर वो चैप्टर उड़ा देते थे जो कल बहुत टफ होना था, टफ गुजरना था, अब वो दूसरी किताब में तब उसके बाद मास्टर कर ले, दोनों मिल के पढ़ो, ठीक है, तो झगड़ा कर लेते तुझसे कि पढ़ने नहीं दे रहा, किसी तरह एक दिन तो कटा, फिर घर कंप्लेन किया तो प्लास्टिक की बुक लेके आया, पहले तो स्टिकर मारते थे अपी वगैरह या फिर बड़े भाई बोलोगे ये उड़ा दे रहा है पूरा जाके। तो वो सारी चीजें जो है ना अब आपके हिसाब से तैयार की जा रही। अब देखिए आई एम गुड मुस्लिम करके एक वीडियो आता है, देखा आप लोग ने, मुस्लिम क्रिएटर्स ने भी शुरू किया है कि प्रॉफिट की स्टोरीज बच्चों को इन सारी चीजों को हम बताएं, तो अपने यहाँ पूरा फिगर बनाने का नहीं, तो नेक और इसके बीच में ट्रंक के बीच में स्पेस खाली कर दिया, पूरा नहीं वाइड किया, जोड़ा नहीं, हमने पूरी तस्वीर इंसान की नहीं बनाई। तो वो देखिए कैसे स्टोरीज आपको बताता है, आपको लगेगा कि कहीं भी हॉलीवुड स्टाइल, जैसे आपने अर्थडोल देखा, कहीं लगा आपको कि हॉलीवुड की आपकी जो उनकी जो होती है थ्रिलर उससे कम है, क्वालिटी उसने बढ़ा दिया आपको, अच्छा लगा? नहीं तो पहले अली फैला कहानी भी हम सुनते थे, आतिम ताई सुनते थे, क्यों नहीं याद हमको? तो आपको आपका दिमाग जो बेहतर तरीके से जाता है उसी तरह से वो काम कर रहा है, उस तरह की स्टोरी आप देखिएगा तो बहुत शानदार आपको लगेगा कि हाँ बच्चों को ये दिखाएं, अदरवाइज नहीं तो वो चिंटू मिंटू और मोटा सा क्या है तेनाली अमन और वो जो एक सौ से खा जाता है, शक्लन कितना बुरा है लेकिन चूंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है तो लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है। बुड्डू बुड़बक देखते हैं, बुड़बक वाला कार्टून दिखाते हैं बच्चों को, इतना बढ़िया है। एक है कोई बबलू और कोई, वो तो स्कूल ही नहीं सकते, ये डोरेमोन कभी स्कूल ही नहीं जाता है, ठीक है, इन बच्चों को सीखना है स्कूल नहीं जाता, बैग पीठ पे रखना है ना, लेकिन स्कूल नहीं जाता है, मुझे वाला है ना। तो ये किस तरह से आपको, आप देखिए कि डिस्ट्रैक्शन कितना शानदार है कि आप पढ़ते पढ़ते एक बार बोलने करें कौन सा मैसेज आया, बस मैं एक मिनट देखूंगी उससे ज्यादा नहीं, अब फिर आपकी उंगली से चलने लगी ना वो, आप एक मिनट एक घंटे कब चला गया पता ही नहीं। जो एक स्लाइड आपके सामने विजुअल प्रेजेंटेशन सामने आ रहा है, इसके पीछे उसने हाई करके रख रखा है मार्क जुकरबर्ग ने, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी दे रहा है इंजीनियर को, सिर्फ वो एक सेकंड का आपका एक मिनट ले आपको ट्रैप करने के लिए उसने रखा है। दुनिया के टॉप के जो लोग हैं, इसराइल के बारे में पता था, अपने बच्चों को मोबाइल देता ही नहीं, माँ जब कंसीव करती है उसको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला सॉल्व करवाता है, वो जानता है किस टेक्निक से फलस्तीन को बर्बाद करो, अल्लाह की मदद निकाल बात है। दुनिया की आप सुबह से लेकर शाम तक 50 चीज करते हैं, 40 चीज इसराइलियों की, आप चाह के भी आप जो है ना फलस्तीन को आपको बोलने का मौका मिलेगा, गाजा स्ट्रिप चाह के भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आप बहुत सारे कपड़े अपने जारा के लिए होंगे, स्पेनिश ब्रांड है, ज्यूस का है वो, अभी उसने क्या किया, एक मुर्दा को मतलब कि जैसे कफन में लपेट के उसने एडवर्टाइज कर दी, कितना इनसेंसिटिव कॉम है, इसलिए इस पर कर्स आया इस कॉम पे, तब लोगों ने हल्ला किया तो फिर उसने हटाया, माफी मांगी, लेकिन उसने जो कहना था कह दिया कि मैं इसराइल की तरफ खड़ा हूँ, खड़ी आप ही के नाम से, जो खजूर आप इस्तेमाल करते हैं इंडिया में उसमें ज्यादातर इसराइल के नाम अरबी लिखे होते, आप सोच रहे वाह बोला हबीबी अरबी अरबी चीज है सबके, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं कि आपसे चीज है वो कहा के इस्तेमाल कर ले रहा, तो इसलिए जो है ना वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि आपको इंस्टा एक ऐसा स्लाइड आपके सामने हर कुछ महीने बाद देखेंगे बदल रही है चीज, व्हाट्सएप पे पता है ना आपको 15 मिनट तक एडिट कर सकते हैं मैसेज को, अब उड़ाने की जरूरत नहीं, हर दिन व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट कर सकते हैं, पहले था ये, तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और कैसे आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक है जिससे आपको बचना है, वो नहीं इस्तेमाल करते अपने जो टॉप के उसके स्कूल्स हैं, एक मेरी फैमिली के बच्चे हैं जो ऑक्सफोर्ड के स्कूल में पढ़ने, बच्चों के स्कूल में फोन टीचर्स को तो अलाउड नहीं बना, वही नहीं वो खुद यूज नहीं कर रहा, और हमारे बच्चे तो अभी शुरू हुए कि वो सारे कार्टून उनको याद, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन कमाई के, हमको भी इस एज में भी अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है तो आप उन चीजों को सब्सक्राइब कीजिए जो बार बार आपके सामने आए, आप सब्सक्राइब कीजिए टॉप के इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च करते हैं, आप न्यूज फीडर्स में जाके उन चीजों को सब्सक्राइब कीजिए कि जहां से आपको लेटेस्ट रिसर्च की न्यूज आए, तो आप अपने स्पीड को खुद ही आप रेक्टिफाई करके बदल लीजिए, बार बार जो आपको आ रहा है कि इस कंपनी के शूज और ये टी शर्ट ये जैकेट उसको रिप्लेस कर दीजिए आप साथ,
ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, मेडलॉक को आप करें या आप रिसर्च गेट को करें, इस तरह चीजें आपको रिमाइंड करेंगे, आस्किंग क्वेश्चन जो हम लोग नहीं करते। जैसे आज भी खत्म करेंगे लेक्चर तो एक दो क्वेश्चन आएगा, ये असल किल कर देते हैं हम अपने आप को। और ये ज्यादातर क्यों नहीं होता है, रीजन की वजह से कि ये पूछ लें सामने वाला कहीं ये तो नहीं समझते कि कितना सिली क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अगर दिमाग से निकाल देंगे लोगों का कहीं, ठीक है ना, तब आप सीख पाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किस्सा है कि उनको गांव में जब आए तो लोगों ने कहा कि अरे किसी काम का प्रेसिडेंट के स्थान पर आए, वो अपने गांव के लोगों को जॉब ही नहीं दे पाए, उनको हिट कर गई बात की, यार बात तो सही है, मैं प्रेसिडेंट बन गया था, मेरे गांव के लोग जो उसको जॉब ही नहीं मिला। तो उन्होंने गए दिल्ली में, सोचा अपने पीए से बोला कि बताओ क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सर बुलाइए उन्होंने, देखते हैं कौन जॉब करना है। तो दिल्ली बोला राष्ट्रपति लोगों ने खूब घुमाया, दिल्ली घुमाया उनको, और बोला कि भाई ये जो जिस लाइक है वो जॉब दे दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बैठा के सबको जब स्क्रूटनाइज किया उन्होंने, तो देखा कि उस दौर में अभी आती इंडिया जब आजाद हुआ था वो प्रेसिडेंट बने थे, तो लिटरेसी रेट बहुत कम थी, ज्यादातर मजदूरी के लाइक लोग, मजदूरी भी नहीं मिलती थी, वो भी किसी के कहने में मिलती थी। फिल्में देखी उस दौर की, ठीक है, रिकमेंड कर दिया वहां पर युवा मजदूरी का, सैलरी भी नहीं मिलती, झगड़ा हो रहा है, उसका बेटा फिर हीरो बन गया, वो कूट के पैसा निकाला, ये सब कहानी सुनी हुई उस दौर में। तो जब उन्होंने कहा शाम में कि भाई जिसको जैसे उसकी जॉब पे लगा दो, उन्होंने कैटेगराइज किया और गाड़ी से भिजवा दिया राष्ट्रपति भवन में, तो बहुत सारी चीजें होती भेजने के लिए। ये जब लौट के आए वर्किंग में या क्योंकि मिलना शाम के डिनर पे, देखा कि अरे सब लोग एकदम कंप्लेन लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है, बोला इससे बढ़िया था हम घर पे थे, यहाँ मजदूरी करने के लिए हमको भेज दिया गया। तो बोला कि पूछा गुलाब भी लो भाई क्यों मजदूरी के लिए तो भेजा है, बोला कि सर किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है क्लर्कियल जॉब की, हम भेजें क्या। उन्होंने कहा ये बात तो सही कह रहा है, तो मजदूरी के लिए अगर मजदूरी हम फेवर कर सकते हैं। तो सब घर लौट आए और बोला कि अरे यार यही काम करना था तो हम दिल्ली क्यों गए, लोग बहुत कहते प्रेसिडेंट के फैमिली कार में जाके मजदूरी कर रहा है। उन्होंने अपने बुक में लिखा ऑटोमोग्राफी में कि ये जो टर्म है ना लोगवा कराते हैं ये आपको रूम देता है, कुछ लोग रुक गए चार पांच आगे के बच्चे राष्ट्रपति भवन और अलग जगह मिनिस्ट्री में, कोई आईएएस बन गया उनका बेटा होता दूसरी तीसरी नसल में। तो ये चीजें जो है एबिलिटी आपको रोक लेती है लोगवा कराते हैं। सवाल पूछेंगे कोई क्या कहेगा, उल्टा का सवाल देखो कितना बेखौफ सवाल पूछ रहा है पीछे से, उसको कोई मतलब नहीं लोगवा कराते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन तो कर रहे होंगे अपने, बाकी आज में कहीं कहीं वो जो मेमोरी होगी जा रही होगी। सो कीप आस्किंग, ठीक है ना, और जब आप पूछने लगेगा तो फिर आप कुछ दिन के बाद खुद ही अपने आप को प्रैक्टिसाइज कर लीजिएगा कि रेलेवेंट क्वेश्चन क्या होता है। पहले ये मत सोचिए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सवाल मैं पूछूंगा उसके बाद बोले वाह इनको मिलता है नोबेल प्राइज, इस इंतजार में आपको कंसोलेशन प्राइज भी नहीं मिल रहा है। खूब पूछिए, पूछने के बाद फिर क्या होगा कि अपने आप फिर आपको लगेगा आज मैंने पूछ लिया, पिछले 3 साल से मैं टेंशन में था। आप पूछते वक्त हो सकता है कि चेहरा लाल हो, टेंशन हो, जो आपका बेस्ट है वो नहीं दे पाए, उससे वाली चीज बाहर आ जाए, ठीक है। लेकिन जब आप पूछना शुरू कीजिएगा तो वही पसंद आता है, वही याद भी आता है जिससे आप पूछ रहे होते हैं। ये पूछा तो कुछ इंकरेजिंग होनी चाहिए क्वेश्चन हमेशा, एंड लर्निंग स्टाइल आपके अपने हिसाब से हर इंसान का अलग होता है। जैसे मैंने कहा जो जो मेथड्स बताए, कोई बढ़िया से आपको रीड कर सकता है, कोई बढ़िया से आपको लिख के याद कर सकता है, कोई सुन के याद कर सकता है, कोई देख के याद कर सकता है। कुछ लोग देखोगे ऑडियो बंद करता फिल्म देख रहे हो, देखा है कुछ ऐसे लोग मुंबई में, कभी आपने लोकल में सफर किया है, कभी मुंबई के लाइफ लोकल में जाइए सिर्फ देखने के लिए करते क्या है, वो लोग कान में लगाते हैं म्यूजिक और सुडोको खेलते हैं, पूरा मुंबई सुडोको, छोटा छोटा पेपर आता है मुंबई डेली करके 15-20 तरह का पेपर आता है छोटे छोटे वाले, और उसमें हर पेज पे एक वो सो क्या बोलते हैं उसको क्रॉसवर्ड या सुडोको ही कहना था, वही हर पेपर वो पेपर ज्यादा खरीदते हैं जिसमें वो ज्यादा रहता है। अब वो अगले स्टेशन भले 3 मिनट में लेकिन उसी में लगेगा, स्टेशन आएगा उतर जाएगा रोबोट की तरह, आप भीड़ में घुस रहे हैं घुसते घुसते दूसरी ट्रेन में चले गए उस पार, लेकिन वो एकदम कैलकुलेटेड जाएगा, बैठेगा खेलेगा उतर जाएगा। बहुत खेलते हैं वो लोग इन चीजों को, तो उनका तरीका है कि भाई वो रिलैक्स टाइम है उसी में हमको सीखना जाता है। इसी तरह से इसमें से कोई भी कोई अच्छा काम हो करते हुए इसको सीखना हो तो आप चूज कीजिए आपका वो बेस्ट तरीका है जिससे आप कर सकते हैं वो चीज आपके, ऐसा नहीं कि पांचों वो चीजें पांचों हवा से कम सा जाहिर आप इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं तो आप जल्दी सीखिएगा, लेकिन उसमें से कोई एक है जो आप जिससे आपको महारत, ठीक है ना। कुछ लोग आप देखिएगा कि आज के दौर में भी वो आपको सुनते हैं क्या FM, ठीक है ना, वो देख नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसलिए गाड़ियों में स्क्रीन नहीं रखा गया सामने, आप सुन सकते हैं
जो गाड़ी की स्पिन होती है लेकिन वीडियो नहीं चल सकता, गाड़ी चलते हुए वीडियो नहीं चला सकते ड्राइवर के आगे, उसको तैयारी ऐसे किया गया है कि वो वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसने इधर किया तब तक राइट साइड में एक दो ऊपर। तो इसलिए आप अपनी सबसे जो बेस्ट टेक्निक है पावरफुल है जो आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई एक चूज कर करके और उसको फिर सीखिए, तब आप बहुत अच्छे से उसको चीजों को सीख सकते हैं। अब ये कुछ थ्योरेटिकल है जो आगे कभी बताएंगे, कितना टाइम हो लेनदी सेशन है ये, तो ये सब कभी बताना था, लेकिन लास्ट की कुछ चीजें मैं जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। देखिए ये तीन चीजें हैं सीखने की जो ऑनलाइन लर्निंग के हैं, एक वर्चुअल रियलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म, दूसरा है आपको सोशल नेटवर्किंग और तीसरा है ऑनलाइन क्लासेस। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत तेजी से लोगों को सीखने में मदद कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचिंग क्लासेस हैं या फॉरम्स हैं जो आपको ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और पॉडकास्ट के तौर पर सिखा रहे हैं, ठीक है। हम लोग भले उसका इस्तेमाल कुछ और नहीं करते हो, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग भी अपने में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं इसको। इन तीनों चीजों को दुनिया में बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है और लोग इसे सीख रहे हैं। टॉप के जितने आपके क्या कहते हैं कि वो कोचिंग क्लासेस भी, उनके लिए प्लेटफॉर्म आ गया, सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है इन चीजों का। हम बात करेंगे जो लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल हो रही है जिसको एनसीईआरटी फेवर कर रहा है, वो है आपको फ्लिप क्लास की, यानी क्लास को उल्टा कर देना। जैसे अभी आपको क्लासेस में कोई टीचर क्या आता है कि आज हम पढ़ेंगे सरफेस एनाटॉमी ऑफ लिवर, ठीक है, लिखा सरफेस एनाटॉमी ऑफ लिवर, फिर एक लिवर बनाया उस पर सरफेस बनाया, ठीक है। रात में एक वीडियो आपको भेज देना था कि बच्चों कल पढ़ना है सरफेस एनाटॉमी लिवर, इसको पढ़ के आना। अब क्या उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, आप ज्यादा टाइम आपका डिस्कशन पे जाए, ठीक है, उसके डाउट क्लियर करेंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन का क्विज दे दिया उनको जल्दी से उसी 30 मिनट या 40 मिनट के प्लेटफॉर्म पे। तो यही कहलाती है फ्लिप क्लासेस। इसका एग्जाम्पल है, लेफ्ट साइड में आप देखिए एक टीचर खड़ा हुआ बोर्ड पे और एक टीचर खड़ा है बच्चों के साथ, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ इसका पूरा टाइम चला गया बताने में और ये बताने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे, दे दिया आपको जाके देख लेना ये तुम ऐसे नहीं वैसे करो, ठीक है। तो जा इस क्लास में जो फ्लिप क्लास है इसमें इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गया बच्चों से, मतलब वही 45 मिनट को थोड़ा सा और डीप जाके बताना चाहिए। ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लास है, अगर 1 घंटे की क्लास आप रखते हैं तो ये स्टूडेंट को सेटल होने में 0 से 5 मिनट लगता है, और तुम भी आ जाओ जब तक सब लोग नए आए, क्लास शुरू नहीं करेंगे वो मीन होता है, सुबह के अर्ली मॉर्निंग क्लास 5 से 7 मिनट लग जाता है। उसके बाद आप टीचर 45 मिनट लेक्चर लेता है, क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम करेगा तो 10 मिनट करेगा तो निकल जाए। अगर यही फ्लिप क्लास में हम सोच रहे हैं कि अगर मुझे एनाटॉमी ऑफ सरफेस लिवर, सरफेस एनाटॉमी ऑफ लिवर बताना था, बच्चों को वीडियो भेज दिया, ठीक है, रात में पढ़ के आना, तो क्या किया सुबह में आया तो वही ये टाइम तो अभी लगेगा क्लास में सेटल होने में, 5 से 10 मिनट में आपने उसके बारे में जो आपने भेजा था उनको उस पर डिस्कशन कर लिया। अच्छा बताओ उसमें क्या डाउट था, सब अच्छे से पढ़ लिया, 30 मिनट का था, किसने पूरा पढ़ा, हाथ उठाओ, ये सारी चीजें डिस्कशन कर ली, और फिर हम चलेंगे क्विज हमने रख दिया उसमें कि उसमें 5-10 क्वेश्चन टीचर तैयार करके लाया और उसको डिस्प्ले किया। अच्छा बताओ तुमने पढ़ा, आप टेस्ट लेते हैं कैसा पढ़ा आप, तो उसमें आपने बताना है कि 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा खासा टाइम आपको क्वेश्चन के लिए चला गया 15 से 20 मिनट, और फिर उस पर डिस्कशन जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए 30 मिनट 30 20 50 और ये 60 मिनट में आपको देखिए जहां 45 मिनट से टीचिंग में चला गया वो आपको इसमें चला गया। अब ये बच्चा बहुत ज्यादा तैयार होगा आपको AIPGT क्रैक करने के लिए या दूसरे टेस्ट के लिए या फिर एग्जाम ही खुद अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं इन चीजों के बाद, डिस्कशन के बाद, नहीं तो ये मोनोटोनस होता है, बोलते चले गए सुन लिया चीजों को। यही लर्निंग मेथड अगर कुछ करके बताते, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती तो आपको ज्यादा समझ में आता। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल देखिए टेक्नोलॉजी से क्या किया, जब अपने यहाँ वो था लॉकडाउन चल रहा था, क्लासेस अनाउंस हो गई थी, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेते, ठीक है, सारे टीचर्स आप लोग ने कुछ बच्चों ने किया भी होगा, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस हमने लिया और क्लासेस लेने के साथ साथ हमने ऑनलाइन वाइवा भी लिया बच्चों का, सिर्फ इसलिए नहीं कि देखिए तो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें कितनी फिजिबल है, कुछ उनको एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आए दिए ऑनलाइन कि आप 10 सेकंड में चले जाना था, वो सब तरह की चीजें भी हमने किया उनके साथ साथ। उसी पे ऑनलाइन कमेंट्स लिख के एक टीचमेंट करके वो था ऐप जो सब फ्री था जिसको मैंने कर लिया, तो वो हमें टाइमिंग भी बताता कि सर 10 मिनट बाद क्लास शुरू होनी, और उनको भी मैसेज चला जाता कि सर क्लास में 10 मिनट में आने। तो इसको टेक्निक को इस्तेमाल किया और सारी चीजें हमने कर ली जो क्लास में नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन क्लासेस जो GTC में किया उसका क्या रिजल्ट है बाद,
वो सारे क्लासेस जो पीपीटी से लिया ना वो सब जाके जाइएगा BTCF की वेबसाइट पे, तो आपको ई कॉन्टेंट यहाँ पड़ा हुआ है, टीचर्स में मेरा नाम है इसी तरफ 25-30 टीचर का, हर क्लास का जो कॉन्टेंट दिया था वो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो मेरी 40-50 जो या 30 जो भी मेरी पीपीटी सब वहाँ मिल जाएगी। तो ये ई कॉन्टेंट भी तैयार हो गया, क्लास ली, क्लास में क्विज करवाया, क्वेश्चंस लिया, वाइवा लिया, आंसर्स वहीं किया, वो चीजें तो जनरल होनी ही होनी थी। उसके साथ साथ हमने उसका रिकॉर्ड यहाँ डाल दिया पीपीटी को, गवर्नमेंट सिविल कॉलेज के ई कॉन्टेंट पर अभी भी मिल जाएगा आपको। फिर उसी चीज को रिकॉर्ड करके यहाँ डाल दिया कॉलेज के यूट्यूब पे, एक क्लास आपको कितनी फॉर्म में रिटर्न दे रही है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डेड हो गया। अभी जब अलीगढ़ में पिछले साल आया था वैकेंसी टीचर्स की, तो उसमें पूछा था कि आपका कोई रोल रहा है कहीं पे ई कंटेंट करने में, हम तो सोच भी नहीं थे ऐसा होगा। यहाँ से 2-3 टीचर ने अपना अप्लाई किया था, उन्होंने लिखा कि हाँ ई कंटेंट मेरा इस पे पड़ा हुआ GTCH का, वहां के जाके www. जो आता है वहां पे उन्होंने DOI वहां जाके चिपकाया, उसके मार्क्स मिलते ई कंटेंट। तो कितने फॉर्म में एक लेक्चर आपको यहाँ भी रिकॉर्ड हो गया, बार बार भी आप देख सकते हैं। आप लोगों को इस चीज का मुशाहिदा होगा कि कई 2-3 साल पहले के लेक्चर्स भी आपने सुने होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासेस होती हैं जो अच्छे से आपको रिटर्न देती है मल्टीपल फोल्ड में, इसलिए आपके दौर में आप सोच नहीं है टेक्नोलॉजी हो या नहीं है, ये तो करना ही आप। जैसे पिछले 15 साल में आप आ गए, कंप्यूटर को डिनाई नहीं कर सकते आप, हर जगह हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा लेट से डिनाई किए, गार्जियन को भी बहुत ठगा, भले हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन कहते हैं कंप्यूटर बहुत जरूरी है, 40-50 हज़ार लिया कंप्यूटर ले लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर घर से ले लिया, कहा कि नहीं बहुत कड़ी पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटी में जरूरत है, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन टेक्नोलॉजी डिनाइल मोड में आप नहीं जाना, आप टीचर में चले जाइए, चाहे फिर आप मेडिकल सर्विसेज में MO बन जाइएगा, बिहार सरकार की साइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन आपको पेशेंट को कंसल्ट करना है, तो कहीं भी आप बच नहीं सकते। अब इसमें जो वॉन्ट आती है उसमें लिखा होता है कि आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है, देखिएगा NIM से निकलेगा, अलीगढ़ से निकलेगा, करोल बाग या अंदर से, तो लेक्चरर आप हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एसेंशियल क्राइटेरिया, एसेंशियल में आपको लिखा रहता है कहीं कहीं इन दिनों में तो रहता ही रहता है कि आपको कंप्यूटर में ये बेसिक ज्ञान है, तो अगर आप वो नहीं जानिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बेसिक जॉब के लिए भी जानना है, दूसरे आपको खुद को एक्सेल करने के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग का कल एक चार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर वेरी इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर।